ये रूट तो शामिल नहीं था ट्रैफिक परेड में, तो आप लोग जा के सो रहे थे? नहीं, जो रूट मिला हुआ है उसी को ही जा रहे थे। अच्छा, राकेश टिकैत जी कहाँ है? आ रहे हैं थोड़ी देर में आ रहे हैं। यहाँ पर एक किसान अब शहीद हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ITO पर और हमने आपको सिंगू बॉर्डर से बुरारी तक का जो रास्ता था वो दिखाया कि किस तरह से आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर परेड जो है वो दिल्ली की सड़कों पर आकर जो है वो किसानों ने निकाली है। हालांकि इसका अंदाज़ा नहीं था कि किसान जो है वो दिल्ली की सड़कों में आ जाएंगे, और जो कुछ लाल किले पर हुआ वो आज कहीं ना कहीं हम लोगों को तो जो है थोड़ा शर्मसार करने के लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि आज लाल किले पर जो है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज जो है लहराया जाता था वहां पर जो है निशान साहिब को वहां पर वो झंडा जो है वो लगाया गया। और आप देख सकते हैं कि मैं ITO पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो ITO पर आज हम सब ने देखा कि यहाँ पर किस तरह से किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा, यहाँ पर जो है आंसू गोश के गोले जो है वो छोड़े गए, उसके अलावा यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने पूरी कोशिश करी कि किसानों को यहाँ से खदेड़ने की, परंतु उसके बावजूद जो ये किसान थे ये डटे रहे। ये किसान जो है ये यहाँ पर लगातार जो है वो डटे हुए हैं अभी भी, और इन्होंने जो है यहाँ से जाने से फिलहाल आगे बढ़ने के लिए जो है इनका एक रणनीति अपना कर आए थे कि इन्हें लाल किले पर जाना है, वहाँ जाकर झंडा फहराना है, वहाँ जाकर इन्हें जो निशान साहिब थे उन्हें वहाँ पर जो था वो वहाँ पर लगाना था, और ये अंदाज़ा नहीं था किसी को भी। हालाँकि सुरक्षा जो इंटेलिजेंस थी उसने दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि हो सकता है कि 26 जनवरी को ऐसी कोई घटना जो है वो घट सकती है। और ये आप देख सकते हैं ये ITO का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चारों तरफ से ये रोड जो है ये बंद है, और ये आप देख सकते हैं अगर यहाँ से आप आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जो है आपको नज़र आएगा। सीधे जो है आगे बढ़ेंगे तो ये इंडिया गेट यानी राजपथ की ओर जो है ये रास्ता जा रहा है, और आगे जो है यहाँ पर पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग करके इनको ITO पर जो है वो रोक दिया है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये दिल्ली पुलिस का जो पुराना मुख्यालय था वो ये यहीं पर मौजूद है। आगे जाके ITO जो कि दिल्ली की सबसे बड़ी रेड लाइट है, एक बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा चौराहा है दिल्ली का, वहाँ तक जो किसान हैं आज पहुँच गए हैं। यहाँ से लाल किला भी जो है पास में ही मौजूद है, और किसानों ने जो है लाल किले पर आज जो चढ़कर किया है इसका जवाब अब किसान नेताओं से आगे जो है वो मांगा जाएगा, क्योंकि ये एक इतिहास में हमारे जो है वो जुड़ गया है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला था। लेकिन ट्रैक्टर परेड जो है वो कहीं ना कहीं अब हिंसा का भी जो है रूप कहीं ना कहीं देखने को मिला कि वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर यानी PHQ का जो पुराना मुख्यालय है उसके आगे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में जो ये रोड जा रहा है ये सीधा ITO चौक है, जो इस वक्त पूरा जाम हो चुका है। यहाँ से आगे की जो कोशिश किसानों द्वारा की जा रही थी राजपथ तक जाने की, उन्हें वहाँ आगे जाने से पुलिस ने खदेड़ दिया है, उन्हें यहाँ रोक दिया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ इस तरफ जो ये रोड है ये लक्ष्मी नगर से जा रहा है, और ये भी इस वक्त पूरा जो है वो चक्का जाम हो चुका है। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैक्टर्स की, ये इसको गिन पाना आपके लिए एकदम इम्पॉसिबल है। यहाँ पर इस वक्त सैकड़ों और लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर किसान मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज जब किसान आए थे तो उन्हें पुलिस की ओर से रोकने के लिए काफ़ी बैरिकेडिंग्स करी गई थी रास्ते में सिंघू से यहाँ आते हुए, और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि किसानों का क्या प्लान है और आखिर वो क्या करने वाले हैं। ITO चौक पर भी लाठी चार्ज हुई और पत्थर जो है वो स्टोन पेल्टिंग भी की गई, पत्थर फेंके गए। हालांकि किसानों का यही कहना था कि पहले पुलिस ने हम पर लाठी चार्ज करी, उसके बाद हमने जो है उनको एक जवाब दिया। आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जब किसानों के इस जत्थे को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो ये यही
यहीं पर जो है वो अब धरना लगाकर बैठ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लाल किले पर जो है जहां पर डाइस बना हुआ है वहां पर किसानों के जो लीडर्स हैं उन्होंने वहां पर चढ़कर जिस जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है वहां पर निशान साहिब को जो है वो फहराया। और हालाँकि उनके इस फैसले को जो है वो बहुत लोग जो है मना भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने तस्वीरों में कि ये ITO चौक है जहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे राजीव चौक आ जाएगा, लेफ्ट जाएंगे आप इंडिया गेट है आपके, प्रगति मैदान है, तो वहीं सीधे हाथ पर आपके लाल किला आ जाएगा। पुरानी दिल्ली से गुजरता हुआ जो रास्ता है चांदनी चौक से दरियागंज से ये वो रास्ता है। और फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये सभी किसान जो है वो यहाँ पर जमावड़ा लगाकर बैठ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ ऊपर से आपको यहाँ से ये हाल दिखा रही थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा मुझे लग रहा है तैयारी वगैरह कर आए हैं शायद ये किसान। तो अब मैं नीचे चलती हूँ और नीचे आपको यहाँ नीचे से जो नज़ारा है वो दिखाती हूँ। और मैं अब ITO चौक के बिल्कुल बीचों बीच में आ चुकी हूँ जहाँ पर कुछ देर पहले पुलिस और किसानों के बीच में एक संघर्ष देखने को मिला था। पुलिस ने इसी जगह पर जो है थोड़ी देर पहले लाठी चार्ज हुआ था, यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो है यहाँ पर दागे गए थे। साथ ही रास्ते में हमने देखा कि कई जगह जो पुलिस हेडक्वार्टर के आगे जो पुलिस वैन्स खड़ी हुई थी वो भी हमें काफ़ी जगह टूटी हुई मिली। और वो आप देख सकते हैं वो एक पुलिस ड्यूटी में जो एक DTC की बस जो है यहाँ पर लगाई गई थी उसको भी जो वो तोड़ दिया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसानों को जो है समझा बुझाकर यहीं पर जो है रोक लिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। और ये मैं ITO चौक के बिल्कुल बीचों बीच जो हूँ यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये आज इतिहास में आज का दिन जो है वो दर्ज हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये DTC की बस जो है ये थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है ये तोड़ दी गई थी। सामने आप नज़ारा देखेंगे कि पुलिस अभी भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। और फिलहाल यहाँ पर कई किसानों के बीच जो दिल्ली वाले हैं फिलहाल वो भी यहाँ पर कई मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फंस गए हैं। आप देख सकते हैं सामने स्काई वॉक जो है वहाँ से कई लोग जो है खड़े होकर इस ऐतिहासिक नज़ारे को देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक पूरी बैरिकेडिंग जो है मल्टी लेयर शील्ड में यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर जो है खड़ी कर दी गई है। ये एक बहुत अहम रोड है, ये देखिए इसको गिरा दिया गया है ट्रैक्टर से धक्का देकर। हालांकि ये जो है ये जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान भी पहुंचाना हुआ। आप देख सकते हैं ये वही रोड है जहां से 26 जनवरी को झांकी राजपथ पे होकर वापस लाल किले की ओर जाती थी, इसलिए इस रोड को पूरा जो है सजाया गया था। यहाँ पर हर साल जो है ये इसी रोड से जो है ये गणतंत्र दिवस की जो झांकी है वो निकलती है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, आज यहाँ से निकली तो ट्रैक्टर परेड। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस वालों का एक बहुत बड़ा समूह जो है वहाँ मौजूद है, कई मीडिया कर्मियों का मजमा वहाँ पर लगा हुआ है, हर कोई इस वक्त जो है वहीं पर मौजूद है। और मैं आपको सीधा लाजपत लक्ष्मी नगर की ओर से जो है लेकर आई हूँ और यहाँ तक ITO चौक के अंदर घुस कर, उससे पहले हमने आपको दिखाया बुराड़ी के पास जो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। तो फिलहाल अब आगे क्या रुख लेता है ये माहौल अब वो देखने वाला है। यहाँ पर एक किसान अब शहीद हो चुका है और हम आपको यहाँ का जो है यहाँ की लाइव कवरेज दिखा रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जो है ये बात पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस कवरेज को जो है वो देख सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान जो है यहीं पर जो है ये लोग अब ये शहीद की मृत बॉडी को जो है वो यहाँ रखकर अब जो है वो फ़िलहाल यहीं पर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और यहीं वो लोग बैठ गए हैं इस किसान के मृत शरीर को जो है अभी तिरंगे में जो है वो लपेटा गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि ट्रैक्टर्स में भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर जो है गुरदास बानी भी अब चल रही है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करने की जो है कोशिश करती हूँ यहाँ पर किसानों से कि आखिर क्या हुआ क्या था। यहाँ कुछ किसान जो है बैठे हुए हैं, चलिए इन्हीं से ही जो है बातचीत करती हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मेरठ जिले से। अच्छा, तो आज कितने बजे से आप यहाँ पर जो है शुरू से आए हुए हैं, जो हुआ है उसके बाद अब क्या कहेंगे? इसके बाद कहने को बच कर रहा, हमारा बंदा चला गया।
अच्छा हुआ क्या था? गोली मारी है सीधी। किसकी तरफ से? पुलिस की तरफ से। हमारे पास है कहीं हथियार जो हम गोली चला देंगे? जी। हम दो महीने से इतनी शांति से पड़े हैं, इन पुलिस वालों को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं और यही गोली मार रहे हैं हमें। आप गाजीपुर बॉर्डर से आए? हाँ जी। अच्छा यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर के किसान मौजूद हैं या फिर सिंगू से भी आए हुए यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर ज़्यादातर गाजीपुर बॉर्डर के हैं। जी, अब आगे क्या करेंगे? आगे अब जो और किसान संगठन आएंगे, जो रणनीति तय होगी वो होएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसानों में बहुत ज़्यादा जो है दुख है इस वक्त, क्योंकि इनका एक साथी जो है वो यहाँ पर शहीद हो चुका है। क्या किया जाएगा अब आगे? अब आगे जो भी होगा देखी जाएगी। अब यहाँ से हम आर पार करके उठेंगे यहाँ से। अब एक किसान ऑलरेडी जो है वो शहीद हो गए हैं। हाँ जी, किसान शहीद हुआ है, सामने की गोली चलाई है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। क्या क्या उम्र थी किसान की? उम्र तो 24-25 साल की उम्र थी। आपने सुना मतलब कि एक जवान नौजवान जो यहाँ पर किसान था वो अब शहीद हो चुका है, और इसीलिए यहाँ पर जो मौजूद हैं किसान उन सब में यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख भी है और वही आक्रोश भी है। तो अब क्या किया जाएगा आगे? वहाँ से वो हम लोग गाजीपुर बॉर्डर से आ रहे हैं। अब बताइए, दो महीने से ज़्यादा हो गया हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं बताइए एक छोटी सी भी घटना घटी हो? नहीं। लेकिन सरकार परमिशन दे दिया कि ट्रैक्टर रैप परेड निकाल सकते हैं, तो हम परेड करते हुए आ रहे हैं 30 किलोमीटर दूर से, तो हमको क्यों रोका गया? और सीधे तौर से आंसू गैस और सीधे स्टेट फायरिंग कौन परमिशन दिया है? आपको गोली चलाने का परमिशन कौन दिया है बताए सामने आकर? आज हमारा भाई शहीद हो गया उस जगह पर, और आप और हम रहते तो सोचिए क्या होता, वो भी किसी का परिवार का ही बच्चा है। सरकार कहीं ना कहीं तनाशाह सरकार हो गई है कि जो सवाल करेगा उसको गोली मार दिया जाएगा। अब बताइए कौन, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है आपका? ताक पर रख कर गोली चलाया गया है जो अवैधानिक है और बिल्कुल गलत है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो प्रशासन बताए किसके ऑर्डर पर यह गोली चला है, उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, 302 का, उसने हत्या किया इस भाई का, जो शहीद हुए हैं उनका केस होना चाहिए उस पर। और हम लोग का आंदोलन पीछे नहीं होगा, यह आंदोलन और लंबा होगा जब तक ये हमारा मांग पूरी नहीं हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि गोली सरकार चला रही है, ये अंकाले अंग्रेज हो गए हैं कि अंग्रेज से भी हम सवाल करते थे तो जेल में डालती थी और गोली चलाती थी, वही ये मोदी सरकार हो गई है कि हम सवाल करेंगे और हक का अधिकार के लिए लड़ने आएंगे तो गोली चलाया जाएगा, जो बहुत ही दुर्भाग्य है। हम लोग टाइम से वहाँ निकले थे, जो टाइम दिया गया था ट्रैक्टर परेड का, 11 बजे के आसपास हम लोग, 11 बजे का टाइम था, 12:15 के आसपास निकले थे हम, वहाँ ट्रैक्टर रैली निकाले थे हम, बहुत आराम से एकदम आ रहे थे। अभी तक कोई मीडिया कवरेज हम लोगों को नहीं दिखा रही थी, जो गोदी मीडिया है अभी राजदीप देसाई जी, वो भी बिना लोगों के, आज तक का बिना लोगों लगाए हुए यहाँ पे पहुँचे, अभी उनको यहाँ से भेजा गया। ये समझिए हम लोगों का कोई कवरेज नहीं, हम लोगों को जो गोदी मीडिया खालिस्तानी दिखा रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब अहंकार में ऐसी तानाशाह, ऐसा कौन सा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है कि आप गोली मार देंगे? जानना चाह रही थी वैसे, जैसे ये रूट तो शामिल नहीं था ट्रैफिक परेड में, तो आप लोग जा किस ओर रहे थे? नहीं, जो रूट मिला हुआ है उसी को ही जा रहे थे। अच्छा, अच्छा राकेश टिकैत जी कहाँ है? आ रहे हैं थोड़ी देर में आ रहे हैं, उनको बोला गया है, सूचना दी गई कि हमारे साथ ऐसे ऐसी घटना घटी है, वो आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है कई किसान भाइयों से हमने बात करी, और फिलहाल एक और जहाँ दुख भी है तो वही दूसरी ओर जो है आक्रोश भी है। सरदार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज एक किसान यहाँ पर, एक नौजवान जो है वो शहीद हो गया है, तो अब आगे क्या करेंगे? हम आगे यही करेंगे कि यहीं पर ही रहेंगे और यहीं चक्का जाम करेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं बनाएंगे। तो ये आपने सुना कि इस भाई का खून का बदला खून से लेंगे, जो भी कुछ होगा प्रशासन नहीं तो हम सारे भाई, जो भी कुछ होगा हम अपने सारे, जो भी कुछ होगा हम करेंगे। जी, दिल्ली वालों के लिए कोई मैसेज? दिल्ली वालों के लिए, मैं दिल्ली वालों का जो भी कुछ हो, हमारे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं ना, सब उन्हीं को जो कुछ हो है उन्हीं के ऊपर ही गिरेगा, जो कत्ल हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी खुद जानेंगे। कुछ बुजुर्ग भी है हमारे साथ, इतने साल हो गए, आपने बहुत कुछ देखा होगा, ऐसा आंदोलन देखा था कभी? ये एक चिंगारी शुरू हुई है अभी, ये किसान जितना सहनशील है ना, अब इस चिंगारी का इस सरकार को, इस देश को ये पता लगेगा कि इस किसान ने कितना खोया है, क्या क्या खोया है इसने। ये तो एक छोटी सी चिंगारी है, इसका पता चलेगा इन्हें। हमने ये देखा है कि हमने देश को आज़ाद कराया था, ये नहीं कराया था कि इन काले राक्षसों के हाथ में देश जाएगा। इस किसान पर लाठी लगेगी, इस तिरंगे पर लाठी लगेगी, हमें ये पता नहीं था। हमारे बच्चों ने शहीद हुई है, हमारे पूर्वज शहीद हुई है,
क्या इसीलिए शहीद हुए थे? हमने खून की होली नहीं खेली थी। इन्होंने इनका कोई तो बतावे कि इन्होंने कुर्बानी दी। इन राक्षसों का एक आदमी बतावे। हमने अपने पूर्वजों को खोया, हमने खून की नदी बहाई देखी। हम उन पूर्वजों की संतान हैं, हम गुरु नानक और भगत सिंह की संतान हैं। हम यहाँ खून की नदी बहेंगे। ये चिंगारी शुरू हुई है, अभी इन्हें दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत यहाँ पर जो किसान हैं उनमें इस टाइम जन आक्रोश है, बहुत दुख है। एक किसान को यहाँ पर खो देने का, एक किसान यहाँ पर जो है वो शहीद हो चुका है। मैं आपको पूरा ये नज़ारा दिखा रही हूँ आईटीओ चौक से, और यहाँ पर हमने कई किसान भाइयों से जो है वो बातचीत भी करी है। तो इस वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पर जो है वो समाप्त करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।